जम्मू कश्मीर लिबरेशन फ्रंट यानी JKLF के नेता यासीन मलिक को टेरर फंडिंग यानी आतंकवादी गतिविधियों के लिए धन मुहैया कराने के आरोप में उम्र कैद की सजा सुनाए जाने पर पाकिस्तान में तीखी प्रतिक्रिया हो रही है। बता दें कि यासीन मलिक की पत्नी पाकिस्तानी नागरिक हैं और पाकिस्तान JKLF और यासीन मलिक को शुरू से ही समर्थन देता आया है। वो जम्मू कश्मीर में आतंकवाद का समर्थन करता रहा है। यासीन मलिक को सजा सुनाने से पहले यानी उनके दोषी पाए जाने के बाद से ही पाकिस्तान में गतिविधियां तेज हैं। कई जगहों पर छिटपुट विरोध प्रदर्शन भी हुए हैं। पाकिस्तान का पक्ष विपक्ष इस मुद्दे पर एक साथ है। प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ ने अंतर्राष्ट्रीय समुदाय से अपील की है कि वो यासीन मलिक को सजा नहीं देने के लिए भारत पर दबाव डाले। उन्होंने ट्वीट किया, भारत अधिकृत जम्मू कश्मीर में राजनीतिक बंदियों के साथ हो रहे दुर्व्यवहार पर दुनिया को ध्यान देना चाहिए। जम्मू कश्मीर के नेता यासीन मलिक को आतंकवाद के फर्जी आरोपों पर दोषी बताया जा रहा है। ये मानवाधिकारों के उल्लंघन से ध्यान हटाने के लिए किया जा रहा है। मोदी सरकार को इसके लिए दोषी ठहराया जाना चाहिए। मुख्य विपक्षी दल पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के नेता इमरान खान की शहबाज शरीफ से किसी भी मुद्दे पर नहीं बनती है, लेकिन इस मुद्दे पर वे उनके साथ हैं। इमरान खान ने ट्वीट कर कहा, कश्मीरी नेता यासीन मलिक की गैरकानूनी जेल और फर्जी आरोपों पर उन्हें सजा सुनाए जाने के मोदी सरकार के चालों की निंदा करता हूं। अंतर्राष्ट्रीय समुदाय को यासीन मलिक को गलत आरोपों में सजा देने के हिंदुत्ववादी फासिस्ट मोदी सरकार के काम की ओर अंतर्राष्ट्रीय समुदाय को ध्यान देना चाहिए। पाकिस्तान के विदेश मंत्री बिलावल भुट्टो जरदारी ने ट्वीट कर कहा, यासीन मलिक को गलत तरीके से दोषी करार देने के भारतीय अदालत के फैसले की मैं कड़ी निंदा करता हूँ। वे भारत अधिकृत जम्मू कश्मीर में हुर्रियत कॉन्फ्रेंस के बड़े नेताओं में एक हैं। फर्जी आरोपों के बल पर भारत के खिलाफ उनके दशकों पुरानी प्रतिबद्धता को नहीं हिलाया जा सकता है। बता दें कि यासीन मलिक ने अदालत में अपने ऊपर लगे तमाम आरोपों को स्वीकार कर लिया है और कहा कि उन्हें चुनौती नहीं देंगे, उनके खिलाफ मुकदमा भी नहीं लड़ेंगे। उसके बाद सबूतों के आधार पर उन्हें दोषी पाया गया और उन्हें उम्र कैद की सजा सुनाई गई।